एनसीसी के बंद हुए अनुदान को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। एनसीसी के विद्यार्थियों ने जताई नाराजगी, लगाए नारे, कहा एनसीसी कैंडिडेट पर कुठाराघात किया है सरकार ने। एनसीसी कैंडिडेट के कैंपों के लिए मिलने वाले सरकारी अनुदान बंद हो चुका है। इस अनुसंधान को फिर से शुरू करने के लिए कैंडिडेट ने कलेक्टर पर प्रदर्शन कर सरकार के विरोध में नारे लगाए। एनसीसी कैंडिडेट को मिलने वाले अनुदान में 75% राशि केंद्र से आती थी, जबकि 25% राज्य सरकार वहन करती थी। इससे एनसीसी कैंपों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के भोजन व अन्य व्यवस्थाओं की जाती है। इस अनुदान के बंद होने के बाद अब एनसीसी कैंडिडेट को कैंप में जाने के लिए राशि भी देनी होगी। ऐसे में विद्यार्थियों पर आर्थिक भार पड़ रहा है। दयानंद महाविद्यालय के छात्र हैं। ये हमारा 2010 से अनुदान बंद कर दिया गया है, जिसमें 75% पैसा हमारे सेंट्रल से आता, 25% स्टेट गवर्नमेंट देती है, जिसमें भी हमारे को बस ओनली फॉर एक कैंप का खाना ही देती है दो टाइम को। इसके अलावा हमारे को अदर एक्टिविटीज, इससे क्या कि टैलेंट छुप रहा है, यानी जो बंदा पैसे वाला वो आगे जा रहा है, गरीब बच्चा पीछे जा रहा है। इसका अर्थ क्या होना कि यानी ये सरकार अमीरों की है, गरीब पीछे हो रहे हैं, इससे कई टैलेंट छुप रहे हैं और बंदे NIC कैंप करने, जैसे NIC कैंप होता है, RDC कैंप होता है, उनमें पैसे देने कारण वो कैंप अटेंड नहीं करना चाहते। और 2010 के अंदर जो मुद्दा उठाया गया था वो शिक्षा के ऊपर उठाया था, यानी ये शिक्षण गतिविधि में आता है, ये अधिकारी के ऊपर नहीं आता है। उसमें क्या है, उनकी सरों की सैलरी ये बंद करने की, उनके अनुदान, हमारे NCC अनुदान बंद, और ये हमारे को ये बता दो कि आपने NCC अनुदान बंद करने का कार्य करना, तो हम आश्वासन दें होगा नहीं, हमारे को आश्वासन नहीं चाहिए, हमारे को पूरा कार्य होना चाहिए। आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और धरना देने आए हैं, तो हमें धरने की अनुमति नहीं दी गई है। बात ये है कि हमें सेंट्रल से मिल रहे थे 75% अनुदान और 25% राज्य सरकार द्वारा। हाँ सर, ये तो आप बोलो, आप बोलो। अच्छा, मेरे सारे DAV कॉलेज के NCC छात्र इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हमें जो 75% अनुदान मिल रहा था सेंट्रल द्वारा और 25% मिल रहा था हमें राज्य सरकार द्वारा, वो बंद कर दिया गया है। और हमने धरना देने के बाद सेकेंड और थर्ड ईयर वालों के लिए अनुदान वापस चालू कर दिया, पर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए अनुदान बंद कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी NCC पूरी सेल्फ फाइनेंस हो गई है, तो इससे फर्स्ट ईयर वाले छात्रों पे ये भारी पड़ेगा। ये सारे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले, सब गाँव से बिलोंग कर रहे हैं, और हमारी कॉलेज की फीस ही 8,000 है, और अब 6,000-8,000 हमारे कैंपों के लगेंगे फर्स्ट ईयर वालों के, जो भी छोटे मोटे कैंप करना है। अब स्टूडेंट क्या करेगा, इन पैसों को बचाने चक्कर में छोटे छोटे कैंप करेगा, CATC हो, बड़े कैंप जिसमें वो अपना टैलेंट दिखा सकता है, यहाँ पे राज्य लेवल पे भी वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो उस कैंप में नहीं जाएगा पैसों के कारण, क्यों उसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे। हमारी मांग बस यही है कि अनुदान को वापस चालू करें। सरकार कहती है कि हमारी कॉलेज प्राइवेट है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्राइवेट कॉलेज में जब सरकारी स्कॉलरशिप आ रही है, सारे सरकारी फायदे दे रहे हैं, तो ये NCC तो एक गतिविधि है जो सेंट्रल सरकार है, जो नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि हम अनिवार्य करना चाहते हैं, और जिस कॉलेज में 1948 से इतने सालों से हमारे यहाँ इस कॉलेज में NCC चल रही है, उस कॉलेज में ये अनुदान बंद करके NCC को बंद करना चाहते हैं। मांगे नहीं मानी जाती है, हमारी मांगे बिल्कुल नहीं मानी जा रही है। हमने 4 या 5 बार यहाँ पे ज्ञापन दे दिया है, और परसों हमने हमारी मीटिंग फिक्स हुई थी मुख्यमंत्री के साथ, हम 2:30 बजे वहाँ गए थे, तो हमको यूँ कहा था सर्किट हाउस जाओ 5:30 बजे, तो हमारे स्टूडेंट्स रात के 9 बजे तक सर्किट हाउस में वसुंधरा मैम का वेट करते रहे, पर मैम आई नहीं, और हमें वहाँ से वापस बोला यहाँ से चले जाओ। अब आज हम यहाँ पे ज्ञापन देना है प्लस धरना देना है। हमने परमिशन मांगने के लिए हम ADM सिटी ऑफिस और SP ऑफिस में भी गए, तो वहाँ पे अधिकारी है नहीं, और ADM सिटी वाले ऑफिस वाले अधिकारी कहते हैं आप SP सर के पास जाओ। जब SP सर के ऑफिस में गए तो वहाँ के वो जो भी है कांस्टेबल्स वो कहते हैं सर आए नहीं, तो हमने कहा कोई ऑल्टरनेटिव होगा जो हमें परमिशन दे देगा, कि यहाँ पे तो कोई आया नहीं, कोई आज कोई परमिशन नहीं मिलेगी, सारे अधिकारी मैम के साथ गए हुए हैं। तो आज मैडम आ रही है मिलो, आज मैम आ रही है, हम वही कह रहे हैं मैम से मिलने के लिए कि हमें कोई मीटिंग फिक्स कर दे, हम ऐसे जाएंगे तो वापस हमें धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, वो मीटिंग फिक्स करने के लिए हम या बात करने के लिए हम गुजारिश के लिए हम परमिशन मांग रहे हैं, तो हमें वो परमिशन भी नहीं दी जा रही, यूँ कह रहे हैं कि आपको 151 धारा में बंद हो जाओगे यदि बिना परमिशन यहाँ रहोगे तो। और हम, मेरा नाम विक्रम सिंह राठौड़ है, DAV कॉलेज से टोरा नेवल सीनियर कड़े ऑफिसर।